भाई लोग ये मूवी बनाई ही इसलिए गई है कि शायद किसी के पास बहुत सारा पैसा है लिटरली बहुत सारा पैसा और इस पैसे को पड़े पड़े काई लग जा रही है इसलिए ये पैसा पकड़ो बॉलीवुड वालों और इस पैसे को फूक डालो पता नहीं इन बॉलीवुड वालों को क्या हो गया ये एक से एक सच में एक से एक बेकार मूवी हमारे सामने रखते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगले साल ऑस्कर में इन बेकार मूवीज का कॉम्पिटिशन होने वाला है ज्यादा कुछ है नहीं इस मूवी में बताने के लिए तो फटाफट से रिव्यू करेंगे आंख में चोली मैं हूँ मिश्रा गुप्ता और सिने स्क्रोल में फिल्मों की चर्चा बार बार हर बार और लगातार होगी आई डोंट नो कि ऐसी क्या आफत आ गई कि बेसलेस स्टोरी लेस स्क्रिप्ट लेस मूवी को करने के लिए परेश रावल अभिषेक बैनर्जी विजय राज ने हामी भर दी मुझे तो लगता है कि इन सबको अपनी ईएमआई भरनी थी तो जो मूवी मिल जाए उसे कर दो भाई फालतू और सेंसलेस कॉमेडी कोई गूंगा तो कोई तोतला किसी को छह बजे के बाद दिखाई नहीं देता ये सब हमने कई मूवीज में देख चुका है और उन्होंने हमें वाकई में हंसाया है अब वही सेम स्टोरी और सेम कॉमेडी को उठा के हमारे सामने पटक दोगे तो कहाँ से हंसी आएगी मेरे भाई हाँ कुछ पंचस में लिटरली हंसी जरूर आती है लेकिन उससे मूवी का टोन तो बिल्कुल नहीं बदलता देखो सौ बात की एक बात अगर हम 300 से 500 रुपए का टिकट खरीद कर थिएटर में देखने जाते हैं तो एटलीस्ट हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा थिएटर एक्सपीरियंस और मूवी देखने के बाद फील गुड एक्सपीरियंस तो मिलेगा और जब ऐसा नहीं होता है तो भाई बुरा लगता है मैं इसे दूंगा टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार वो भी सिर्फ परेश रावल और अभिषेक बैनर्जी के लिए आंख में की चर्चा बस यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय